तो आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड होने वाला है। आपको भी पता है कि कल से खबरें चल रही हैं कि हार्दिक पांड्या गुजरात का दामन छोड़कर मुंबई इंडियंस में शामिल हो सकते हैं। अगर गुजरात का दामन हार्दिक पांड्या छोड़ते हैं तो वहां पर कप्तानी का जो पोजीशन है वो रिक्त हो जाएगा। तो अपने इसी रिपोर्ट में इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि भैया अगर गुजरात का दामन छोड़कर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में चले जाते हैं, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इसकी, लेकिन अगर चले जाते हैं तो फिर कौन नेतृत्व करेगा गुजरात टाइटंस का, ये देखने वाले हैं। कौन कौन से खिलाड़ी इसके दावेदार हैं और ये भी समझेंगे कि किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है और कौन आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस की अगुवाई कर सकता है। इन सभी बातों की समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि कौन होगा आईपीएल 2024 में गुजरात का कप्तान अगर हार्दिक ने उनका दामन छोड़ दिया तो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि भैया आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवारों का नाम तो छांट लेते हैं कि भैया इन खिलाड़ियों की जो है दावेदारी बनती है, इनके ऊपर टीम मैनेजमेंट चर्चा करेगी, उसमें से एक खिलाड़ी चुना जाएगा और वो भी देखेंगे कि किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है, किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ने वाले। तो आपके स्क्रीन पर जो पहला इमेज आ गया होगा वो है भैया राशिद करामाती खान, इनके क्या ही कहने। और अगर हम आईपीएल 2023 की बात करें तो जब भी हार्दिक पांड्या फील्ड छोड़कर गए तब तक राशिद करामाती खान ने गुजरात टाइटंस की अगुवाई की है, यानी कि उप कप्तान ऑफिशियल तौर पर राशिद खान ही रहे हैं हार्दिक पांड्या की मौजूदगी में, तो इनकी एक दावेदारी बनती है। और अगर हम बात करें तो इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अफगानिस्तान के लिए भी कप्तानी कर चुके हैं, यानी कप्तानी का अनुभव है। और जब भी हार्दिक पांड्या टीम को छोड़ते हैं या एक मैच रेस्ट लेते हैं तो राशिद खान कप्तानी आईपीएल में भी कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका टीम में वर्चस्व भी है, इनकी बातें सुनी जाती हैं, ये हमेशा से डिसीजन मेकिंग के भाग रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो इनको कमान दी जा सकती है, ये एक उम्मीदवार हैं और इनमें क्षमता है, ये टीम को लीड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं हुई और गुजरात टाइटंस इनको बहुत जल्दी नहीं छोड़ने वाली है, ये एक अस्थाई मेंबर होने वाले हैं क्योंकि ये बल्लेबाजी से भी योगदान दे सकते हैं, गेंदबाजी में तो इनसे बेहतर लेग स्पिनर इस समय वर्ल्ड में है ही नहीं है, तो वर्ल्ड क्लास ये लेग स्पिनर है, यानी कि ये परमानेंट मेंबर होने वाले हैं गुजरात टाइटंस के लिए और इनके इर्द गिर्द एक भविष्य की टीम का निर्माण गुजरात टाइटंस कर सकती है और इनको लेकर आगे टीम बनाई जा सकती है। और अभी तक ये उपकप्तान भी रहे हैं तो इनको कप्तानी दी जा सकती है, तो सबसे पहले और सबसे अच्छे विकल्प राशिद खान नजर आते हैं। ये आपके स्क्रीन पर आ गए हैं दूसरे विकल्प केन विलियमसन। अगर हम बात करें अनुभव वाइज तो इनसे बेहतर कप्तान आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो हार्दिक पांड्या खुद टीम में क्यों ना हो, अगर केन विलियमसन टीम में आ जाते हैं तो ये रणनीतियां बनाते हैं, इनके इर्द गिर्द रणनीतियां चलती हैं और ये हर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा रहते हैं, क्योंकि इनसे बेहतर कप्तान आपको नहीं मिलेगा। इनके पास अनुभव भी है कि भी टीम का ये कमान संभालते हैं, फिर उसके बाद हैदराबाद का भी कमान संभाल चुके हैं, तो कप्तानी का अच्छा खासा अनुभव है, लीडरशिप क्वालिटी है, टीम को साथ में लेकर चल सकते हैं। और अगर हम शॉर्ट टर्म गोल की बात करें तो ये अच्छे विकल्प होंगे कि इनके इर्द गिर्द नए कप्तान बनाए जा सकते हैं, अनुभव दिया जा सकता है इनको प्रमुख कप्तान बनाकर 2-3 सालों के लिए, तो ये दूसरे विकल्प है। अब आपके स्क्रीन पर आ गए होंगे तीसरे और सबसे प्रबल विकल्प, इनका नाम है शुभमन गिल, भारत के भविष्य। आपको भी पता है कि इस जो लीग है इसका नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, तो अगर आपको फैन फॉलोइंग फैन बेस बनाना होता है तो आप ऐसे युवा सितारे पर दाव लगाते हैं जो कि भारत का भविष्य हो सकता है, जिसके कारण एक दर्शकों का रुझान आपकी टीम की तरफ बढ़ जाए, ऐसे आप सितारे को कप्तान बनाने चाहते हैं, उसके हाथ में बागडोर देना चाहते हैं जिस कारण फैन फॉलोइंग आपकी टीम की बढ़ जाए। और सबसे बेहतर विकल्प अगर हम बात करें इस समय तो शुभमन गिल से बेहतर कोई नहीं हो सकता, शुभमन गिल भारत के भविष्य है, इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनमें नेतृत्व क्षमता
हालांकि अभी उतना टेस्ट नहीं हुआ है कि नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। भैया ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, यहाँ पे आपको सीखने को बहुत मिलता है। लेकिन इनको कप्तानी देने से ये होगी कि एक बंच ऑफ नए यंगस्टर्स आपसे जुड़ेंगे, एक नई फैन फॉलोइंग आपकी टीम से जुड़ेगी, क्योंकि शुभमन गिल का जो ओहदा है भारतीय टीम में बड़ा होते जा रहा है। इनको विराट कोहली से इनकी तुलना हो रही है, और विराट कोहली से तुलना का मतलब ऑटोमेटिक फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ती जा रही है। इनका प्रदर्शन भी शानदार रहा है, और सबसे खास बात अभी युवा हैं तो लंबे समय तक गुजरात टाइटंस को सर्व कर सकते हैं, और लंबे समय तक इनके इर्द गिर्द गुजरात टाइटंस खेल सकती है। अस्थाई मेंबर रहने वाले हैं, क्योंकि इनसे बेहतर आपको इस वक्त युवा खिलाड़ियों में भारतीय टीम की तरफ से कोई बल्लेबाज नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, पिछले साल का प्रदर्शन भी खास आया था, तो शुभमन गिल एक सबसे प्रमुख विकल्प समझ में आ रहे हैं। और हमेशा इंडियन प्रीमियर लीग में जो सबसे बड़ा विकल्प रहता है, अगर आपके पास एक विदेशी खिलाड़ी, एक अपना भारतीय खिलाड़ी है, तो हमेशा भारतीय खिलाड़ी के साथ ही आप जाते हैं, क्योंकि एक फैन फॉलोइंग जुड़ जाती है, लोगों का अटैचमेंट हो जाता है उस क्रिकेटर से, तो लोग उस टीम से भी अटैच हो जाते हैं। आपको अगर सबसे जीता जाता एग्जाम्पल चाहिए तो RCB और चेन्नई सुपर किंग्स, मतलब जैसे इमोशंस जुड़ जाते हैं उस टीम से, तो वैसा ही कुछ शुभमन गिल के इर्द गिर्द गुजरात टाइटंस बना सकती है, एक इमोशन जोड़ सकती है शुभमन गिल से, और शुभमन गिल भारत के भविष्य होने वाले। तो अगर हम इन तीन खिलाड़ियों की बात करें तो राशिद खान, केन विलियमसन और शुभमन गिल, उसमें सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय युवा सितारे हैं, उभर रहे हैं, इनकी तुलना विराट कोहली से होती है, तो इनके साथ फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो रही है। वहीं अगर हम बात करें तो अभी युवा हैं तो लंबे समय तक गुजरात टाइटंस को सर्व कर सकते हैं, एक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट फैंस से अपनी टीम का जोड़ सकते हैं, तो इनका जो कहते हैं ना पोजीशन बहुत मजबूत नजर आ रहा है, और इनकी दावेदारी सबसे मजबूत, और ये बनाए जा सकते हैं IPL 2024 में कप्तान। दूसरे नंबर पर बात करें तो राशिद खान, इनकी भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है, बस विदेशी खिलाड़ी हैं, जिस वजह से ये दूसरे स्थान पर आ जाते हैं, गिल के साथ दाव खेला जा सकता है। तो अगर हम बात करें सेकेंड नंबर पे, सेकेंड पोजीशन पे तो राशिद खान है, और तीसरे पोजीशन पे केन विलियमसन है, क्योंकि ये अभी उतना लंबा खेलेंगे भी नहीं, उम्र भी हो चुका है, इनके इर्द गिर्द टीम नहीं बनाई जा सकती, और ये कंसिस्टेंटली कितना मैच T20 क्रिकेट खेल सकते हैं ये सवाल ये निशान रहता है, क्योंकि स्ट्राइक रेट इनका कम रहता है। तो जो दो प्रमुख विकल्प है शुभमन गिल और राशिद खान, इन्हीं में से आपको कप्तान उपकप्तान मिलने वाला है, जिसकी दावेदारी सबसे मजबूत है वो शुभमन गिल, दूसरे नंबर पे राशिद खान। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन कप्तान बनता है IPL 2024 में गुजरात टाइटंस का, अगर हार्दिक पांड्या गुजरात का दामन छोड़ देते हैं तो। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सा सबसे बेहतर विकल्प है जो IPL 2024 में गुजरात की अगुवाई कर सकता है। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।